नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि सातपुते, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल बानेर से। क्या आप जानते हैं यूथ में एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले, जो व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी करना या फिर कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करना, उस पर नियंत्रण नहीं रहता है। दूसरा, जबकि उस व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक नुकसान होता है, तो भी वो एक्टिविटी करना या नशीले पदार्थ का सेवन करना नहीं रोकता है। एडिक्शंस कई प्रकार के हैं, जैसे अल्कोहल एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन, वेरियस ड्रग्स है, बहुत प्रकार के ड्रग्स है, जैसे कोकेन है, कैनबिस है, ओपियोइड्स है, एक्सेट्रा। इसके अलावा आजकल इंटरनेट एडिक्शन बहुत बढ़ रहा है, वीडियो गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, पॉर्न एडिक्शन। टीनेजर्स में एडिक्शन बढ़ रहा है। सबसे पहला रीज़न है टू फिट इन, मतलब कोई भी ग्रुप अगर स्कूल या कॉलेज में होता है तो वो अपने अपनाएं, उसके वजह से वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा है कूल लगने के लिए, बहुत बार यूथ अपने रोल मॉडल्स फॉलो करते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में या वेब सीरीज़ में या मूवीज़ में नशीले पदार्थ लेते हुए उन्हें कूल लगते हैं। आजकल के कॉम्पिटिशन के ज़माने में बच्चों को भी काफ़ी तनाव है, और उसके लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए वो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। आजकल बच्चों में भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन पाया जाता है, और उसके लक्षण कम करने के लिए बच्चे नशीले पदार्थों से सेल्फ मेडिकेट करते हैं। चाइल्डहुड अब्यूज़, निगलेक्ट एंड ट्रॉमा, ये भी कारण हो सकते हैं। अगर पेरेंटल डिस्प्यूट हो तो बहुत बार टीनएजर्स नशीले पदार्थ या फिर कोई भी एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आजकल पेरेंट्स में भी एडिक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, उसको देख के बच्चा भी एडिक्शन की तरफ बढ़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में एडिक्शन की हिस्ट्री है तो चांसेस बढ़ जाते हैं एडिक्शन होने के। एडिक्शंस बहुत प्रकार के हैं, जैसे हमने डिस्कस किया है। अभी जो मैं कुछ लक्षण बताऊंगी, ये इन जनरल सब प्रकार के एडिक्शंस के लिए हैं जो आपको टीनेजर्स में दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको एफर्ट्स दिखेंगे कि बच्चे बार बार हाथ धो रहे हैं या डिओड्रेंट लगा रहे हैं या बार बार च्युइंगम खाते हैं, जिससे स्मेल ना आए कि उन्होंने कौन सा नशीला पदार्थ सेवन किया है। दूसरा, अपने पेरेंट्स को वो कम आई कॉन्टैक्ट देंगे और हग नहीं करेंगे। तीसरा, उनके खाने और नींद में दोनों में परिवर्तन आते हैं, ज़्यादातर कम होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले बिताना चाहते हैं रूम में, और क्लॉक करने लगते हैं, जो बहुत अनयूजुअल होता है। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करने लगते हैं, बार बार एग्रेशन दिखता है और झगड़े करने लगते हैं, जो बहुत अनयूजुअल होता है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है और मार्क्स कम आते हैं। जो चीज़ें करने में उन्हें पहले इंटरेस्ट आता था, अभी उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। नशीले पदार्थों को खरीदने के लिए वो पैसे चुरा सकते हैं किसी से भी। अगर ये सब लक्षण आपको आपके बच्चे में दिखते हैं तो आपको उस पर गौर करना है और तुरंत मदद लेनी है। एडिक्शन का निदान किया जा सकता है। अगर कोई भी नशीले पदार्थ का एडिक्शन है तो हम ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करते हैं। इसके अलावा मेन हमें डिटेल हिस्ट्री पे ही निदान होता है, जो हमें बच्चे और माँ बाप से मिलती है। एडिक्शन का ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले, नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा बहुत बार एडिक्शन के ट्रीटमेंट में क्रेविंग्स बहुत होती हैं, जो पेशेंट बताते हैं, तो क्रेविंग्स कम करने के लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, ये थेरेपी बहुत यूज़फुल होती है, जो एडिक्शन में यूज़ होती है। इसके अलावा कोई भी बच्चे के ट्रीटमेंट में फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर अंडरलाइन कॉज डिप्रेशन या एंग्जाइटी है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम दवाइयों से कर सकते हैं। डी एडिक्शन सेंटर्स भी होते हैं, जिसमें नशीले पदार्थों का अगर एडिक्शन है तो उससे मुक्त होने में मदद मिलती है। एडिक्शन एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन है। इसमें से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन रिलैप्स के चांसेस होते हैं, जो डिपेंड करते हैं पेशेंट के स्वभाव पे, स्ट्रेस पे और एनवायरनमेंट पे। पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के ट्रीटमेंट में। सबसे पहले उनको दवाइयाँ टाइम पे देनी है। दूसरी बात, उनके बारे में सबके सामने डिस्कस नहीं करना है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है, उनको पढ़ाई करने में मोटिवेट करना है और मदद करना है,
उनको बार बार उसी चीज़ को लेके ब्लेम नहीं करना है, उनके खाने पीने पे ध्यान देना है, उनको अपने भावनाओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनकी बातें सुनना है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर का माहौल शांत और पॉजिटिव रखना है। अर्ली इंटरवेंशन इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। सो कुछ सलाह है मेरी आप पेरेंट्स के लिए। सबसे पहले अपना बॉन्ड बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरी बात, बच्चों के एक्टिविटी में पेरेंट्स ने एंगेज रहना है, स्कूल में उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस और बिहेवियर चेक करते रहना है और उनके फ्रेंड्स को जानना है।